भगवान की झांकी को देखकर विदुरानी इतनी प्रसन्न है, पट्टा भी बिछाया तो उल्टा। आओ ना गोविंद, बैठो ना। अच्छा देखिए, संसार का मालिक, जिसकी भ्रगोटी टेनी होने से संसार का लय हो जाए, जिसकी मुस्कुराहट से संसार का पालन हो जाए, ऐसा गोविंद अपने पेट में हाथ घुमाते हुए क्या कहता है? काकी जी, बड़ी जोर की भूख लगी है। आई एम ईटिंग फूड, मैं कुछ भोजन करना चाहता हूं। कहते हैं कि काकी मुझे भूख लगी है। ठीक है ना कन्हैया, अभी लाती हूँ। जैसे ही गई है, अंदर कुछ प्रसाद नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही फलाहार करके जीवन व्यतीत कर रहे थे। बोले कन्हैया चिंता मत करो, मैं कदली के बन जाती हूँ, वहां से कदली के फल लाती हूँ। गई हैं, कदली के फल लाई हैं, कन्हैया के सामने रखा है और कहती, पता है गोविंद, इनको अपने हाथों से सींचती हूँ, लो खाओ ना। देखिए दो जगह काम उल्टे होते हैं, एक तो व्यक्ति बहुत गुस्से में हो तब काम उल्टा हो जाता है, या तो बहुत प्रसन्नता हो उस समय काम उल्टा हो जाता है। विदुरानी इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है कि भगवान को जो कदली के फल खिला रही है ना, फल नहीं खिला रही, गिरी को गिरा दे रही हैं और छिलके खिला रही हैं, और मेरे गोविंद खाए जा रहे हैं। एक खाया, दो खाया, तीन खाया, 40 छिलके खा गए, भाई उनके पेट में दर्द होने वाला है नहीं। और इतनी ही देर में विदुर जी आए और क्या कहते हैं? अजी सुनती हो, दरवाजा खोलो। बोले काय भाई, का बात है? बोले तुम्हें पता नहीं, गोविंद ने आज मेरा मान बहुत बड़ा कर दिया। हाँ महाराज, धृतराष्ट्र की सभा में बोले कि मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा तो निमंत्रण है विदुर काका के यहाँ। दरवाजा खोलो, आते होंगे, चौका लगाओ, सुंदर सा आसन लगाओ। विदुरानी कहती है, आते होंगे कि भीतर बैठे। अरे विदुर जी जैसे ही पहुंचे और देखा गोविंद छिलके खा रहे हैं। बोले धन है विदुरानी, तुम्हारी भी मति मारी गई है, गोविंद मेरे घर आए हैं और तुम उनको छिलके खिला रही हो। जब विदुर जी ने कहा तो विदुरानी का ध्यान गया कि अरे मैं तो वास्तव में छिलके खिला रही थी। विदुर जी कहते हैं, अरे कन्हैया लो ना, ये मावे के खोवे के लड्डू हैं, खाना। ये देखना गोपों की बजरिया से कितना सुंदर माखन लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ, खाना। कन्हैया ने एक लड्डू उठाया और एक टुकड़ा मुख में डाला और कहते हैं, काका बुरा मत मानना, एक बात कहूं। बोले कहो कन्हैया। बोले अब वो जो काकी छिलका खिला रही थी ना, उन छिलकों में जो स्वाद था, वो स्वाद आपके इन लड्डुओं में नहीं है। बोले क्यों? तो भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सारे हैं, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है।